खाली वो टाइटल में लिख दिया कि इत्तेहाद मुस्लिम, अरे तो मुस्लिम कहा था तुमने अपने आप को, तो फिर ये कहाँ से होंगे, खाली पोस्टर लगाने से हो जाएगा। तो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, रसूल को मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते, तो मसला यहाँ आ रहा है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा तो मुस्लिम रखा, और उसके बाद हम कहे कि नहीं हम तो नहीं, हम तो फलाएँ, हम तो फलाएँ फलाएँ, तो फिर अल्लाह से डर कहाँ बचा तुम्हारा। ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दे 10 माले की और आपने उसकी बुनियाद नहीं रखी तो बिल्डिंग थोड़ी सी हवा में गिर जाएगी। तो सबसे पहले तो बुनियाद तो होनी चाहिए, खाली अपने अपने स्टेज से बोलने से कुछ नहीं होता कि इत्तेहाद हो। फिर वो नहीं कहे चाहे कि मैं फिरका नहीं हूँ, हम फिरके नहीं हैं, हम तो खाली जमात हैं, तो वो जमात नहीं है। एक दूसरे से आप दुश्मनी रखते हो, बुक्स रखते हो एक दूसरे मुसलमान के ऊपर, तो वो फिरका ही है, उसको मानना पड़ेगा कि वो फिरका है। तो अब कामयाब जब हो सकते हैं, सबसे आखिरी अथॉरिटी कुरान होनी चाहिए, कुरान में कह दिया वो चीज़ को हमको सबसे मुकदम रखना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ये इत्तेहाद भी होगा। ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दे 10 माले की और आपने उसकी बुनियाद नहीं रखी तो बिल्डिंग थोड़ी सी हवा में गिर जाएगी, बुनियाद उसकी होनी चाहिए, बगैर बुनियाद। तो सबसे पहले तो बुनियाद तो होनी चाहिए, खाली अपने अपने स्टेज से बोलने से कुछ नहीं होता कि इत्तेहाद हो। बुनियाद तय करें कि बुनियाद क्या होगी इसको एक करने की, तो बुनियाद तय करना। तो बुनियाद हम, अब बुनियाद क्या हो सकती है, तो बुनियाद तो सबकी है कि जो इसके आयत में भी फरमा गया, क्या उस बात की तरफ जो हमें तुम में एक साथ एक रब की इबादत करें, तो ये हमारी बुनियाद है, तो तौहीद बुनियाद है, तो तौहीद बुनियाद है। लेकिन अब बात मसला यहाँ पर आता है कि तौहीद बुनियाद है तो तौहीद का तो हर मसलक, हर उलमा अपने अपने हिसाब से उसकी जो उसको समझ रखते हैं, अपने हिसाब उनका फहम है तौहीद का। कोई एक एक शख्स एक जो है जमात कह रहे हैं कि तौहीद में ये चीज़ें शिरक वगैरह, ये शिरक नहीं है तौहीद में, इसको शिरक नहीं कहा जाता। तो ये बुनियाद भी हमारी आपस में नहीं बन रही कि तौहीद पर कम से कम एक हो जाए, जो हमारा मेन मरकज था, जो अल्लाह के रसूल ने उसको दावत दी थी, तो उस पर भी हमारे हमारी समझ अलग अलग है, हर जमात की, हर फिरके की, हर उलमाओं की उसमें अलग अलग है। तौहीद का माना कोई क्या बता रहा है, तौहीद का माना कोई अलग बता रहा है, कोई बताए तौहीद के माने तीन है, कोई बोले नहीं तौहीद का माना एक ही होता है, तौहीद का माने कोई ने 10-12 बताए, अपनी अपनी किताबें अपने अपने हिसाब से सब उसको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर बुनियाद थी लेकिन ये बुनियाद भी नहीं बन रही, और असल में तो बुनियाद की बात भी नहीं हो रही कि पहले तो उलमा बैठेंगे भाई इत्तेहाद है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जा रही, तो बुनियाद तय करेंगे किस बात पर हम एक हो सकते हैं, फिर हम कॉन्फ्रेंस करें, पर वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है बुनियाद ही नहीं, तो बिना बुनियाद की बिल्डिंग को गिरना ही है, वो तो कहाँ से टिकेगी। तो असल तो सबसे पहले तय करना ज़रूरी है, और अगर बुनियाद ये होनी चाहिए हमारी, और अगर हमको तो सबसे पहले दलील कहाँ से ली जाएगी, कुरान से ली जाएगी। और अगर कुरान के हिसाब से नहीं करते, अपने अपने हिसाब से समझते, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह माईदा 100 नंबर 5 आयत नंबर 45, 46, 47 यहाँ पर फरमाया इसके अंदर के जो अल्लाह ने जो किताब नाजिल की और किताब के हिसाब से जो इस किताब में जो हुक्म दिया गया उसके हिसाब से अगर कोई हुक्म ना दे तो यही तो जाली में, यही तो काफिर और यही जो है फासिक है। तो इसके हिसाब से कोई फैसला नहीं करता है तो फिर वही जालिम और काफिर और फासिक है। काफिर तो उन्हें कह दिया जो इसके हिसाब से फैसला नहीं करते, जो इसको नहीं मानते, जो इसकी बुनियाद पर जो बताई गई इसके जो हिसाब से एक नहीं करते, इसमें जो बताया गया उससे हमको एक होना है सबसे पहले। तो इस पर तो अब इस पर भी मुमकिन नहीं है कि सबका फैसला ही अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से समझ रहा है, तो इस पर भी मुमकिन नहीं है कि ये भी बुनियाद नहीं बन रही, तो बुनियाद नहीं बन सकता। अब क्यों नहीं बन रही वो एक लंबी बात है, वो हम उसको भेस को छोड़ें, क्यों क्यों नहीं बन रही वो अलग अलग उसकी बात है। लेकिन कम से कम ये होना चाहिए कि आखिरी जो हमारा आखिरी जो फैसला है वो कुरान का होना चाहिए, फिर कुरान आखिरी फैसला। तो इस पर जो है हमारा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास इत्तेहाद की बुनियाद क्या है, आज हमारे पास में इत्तेहाद की बुनियाद है क्या? हम बात तो करते हैं कि कॉन्फ्रेंस करते हैं इत्तेहाद एक हो जाओ एक हो जाओ, लेकिन उसकी बुनियाद हमने तय नहीं की, बुनियाद हमारे पास में है क्या उसके अंदर? तो बुनियाद हमारे पास में नहीं है। तो जब बुनियाद ही आपने तय नहीं की तो सीधी सी बात है वो बिल्डिंग बनना ही नहीं है, तो इत्तेहाद होना ही नहीं है जब उसने बुनियाद ही तय नहीं की। तो बुनियाद तय करेंगे सबसे पहले, तो फिर उसके बाद ही तो बिल्डिंग बनी खड़ी होगी, तब वो जाके मजबूत होगी। तो हमने बुनियाद आज तक तय नहीं की जिसके अंदर जो है जिसमें इख्तलाफ आज हम देखते रहे कि होता आ रहा है। तो बस तकरीरें हो रही हैं, बस तकरीरें हो रही हैं, हर कौम खड़ी हो जाती है, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद मुस्लिम वो सब खड़ी हो जाती है, वो लोग सर हिलाएंगे वहाँ आकर, नहीं होना चाहिए होना चाहिए, सब सुन रहे हैं उसके अंदर 5,000 लोग बैठे, 10,000 इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस चली, होना चाहिए होना चाहिए, सब हिला रहे हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं हमारी बुनियाद ही तय नहीं है। तो बस
अतः होगा नहीं, क्योंकि पहले तो बुनियाद आए तो अभी तो होगा ना, बुनियाद ही नहीं होगी तो कैसे होगा। हर आदमी अपनी अपनी दीवार बना रहा है, वो कह रहा हो जाएंगे हो जाएंगे, सब आपस में क्या करेंगे अपनी अपनी दीवार बनाओ और अपने अपने फीस को जोड़ लेंगे। तो भाई पहले सब जोड़ तो जाएगी, बिल्डिंग भी अच्छी दिख जाएगी, खिड़की दरवाजे भी लग जाएंगे, लेकिन उसकी संगे बुनियाद नहीं रखी आपने तो ये गिर जाएगी। तो ये हम करें तो हमारे पास में असल जो है सबसे पहले बुनियाद तय हो कि बुनियाद क्या हो, तब जाके इख्तियार हम पर हो। तो आज जो मुमकिन है, तो क्या मुमकिन है, आज जो मुमकिन क्या है, आज जो मुमकिन है वो क्या है कि कुरान के अंदर हमको जो बताया गया, तीन चीज़ें हमको बताई गई कुरान के अंदर जो हमको मिलती है इत्तेहाद के तौर पर। एक है कौम, उसके बाद है उम्मत, उसके बाद है मिल्लत। तीन चीज़ें हमको कुरान से मिलती हैं, कौम, उम्मत, मिल्लत, ये तीन चीज़ें हमको मिलती हैं। कौम जो नबी की तरफ मंसूब हो उसको कौम कहा जाएगा कि ये कौम है, और जो ईमान लाने वाली है वो भी कौम है, ये पूरी कौम है, ये एक नबी की तरफ जो लाएंगे तो ये भी कौम है। इसी तरह जो है दूसरी चीज़ कि उम्मत, तो उम्मत के उम्मत मोहम्मदिया वो भी कहा गया, तो वो भी नबी की तरफ मंसूब है। ये कौम तो मिल्लत, तो ये उम्मत, तो ये दो चीज़ें होंगी उम्मत और मिल्लत। अब ये मिल्लत जो है जिसको पोस्टर पे लगाया जाता है कि मिल्लत जो है इत्तेहाद मिल्लत, तब यहाँ जो मिल्लत कहा गया, तो मिल्लत कुरान के अंदर जो बताई गई कि मिल्लत किसकी है, ये मिल्लत सारे मुसलमान जो मोमिन है, ये मिल्लत किसकी है, तो ये जो है ख़ास किया अल्लाह ने कुरान के अंदर कि इब्राहिम की मिल्लत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है पूरी। अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से भी नहीं कहा कि तुम्हारी मिल्लत है, या किसी के ताल्लुक से नहीं कहा किसी रसूल नबी के ताल्लुक से कि ये उनकी मिल्लत है, ये मिल्लत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। तो उम्मत तो सबके लिए आया है, कौम सबके लिए आया है, लेकिन मिल्लत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खास किया अल्लाह ने कुरान के अंदर। और अल्लाह ने फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में फरमाया कि तुम सब अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो। यानी हम किसकी मिल्लत हुए, तो मिल्लत क्या कि ये तहजीब जो कल्चर है वो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कल्चर है, उनकी तहजीब है हमारे पास, तो ये मिल्लत हम उनकी है। तो एक चीज़ का नाम लिया गया वो क्या है यहाँ पर कि मिल्लत हो और तुम क्या हो, तो वो फरमाया गया है आगे फरमाया हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन मिन कबलु वफी हाजा, कि पहले भी कुरान में तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा था और इससे पहले भी जो है उनका नाम मुस्लिम था। हमने इस कुरान के अंदर भी है उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इससे पहले भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम हमने मुस्लिम रखा था और उससे पहले भी सारे मुस्लिम थे। तो यहाँ बताया गया मिल्लत किसकी है, मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और वो कौन थे, मुस्लिम थे। तो पहला तफरका हुआ, कब हुआ पहला तफरका, इसके अंदर सबसे पहला तफरका जब मुसलमानों में पड़ा तो सबसे पहले क्या हुआ कि शिया और सुन्नी बन गए। सबसे पहला तफरका हुआ तो शिया सुन्नी बन गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लम तो ना तो शिया थे ना सुन्नी थे, उसके बाद खुलफा राशिदीन थे हजरत अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, ये ना सुन्नी थे ना शिया थे, ये भी उसमें से कोई नहीं थे। तो फिर हम सुन्नी कैसे होंगे, जब वो ही नहीं थे तो हम सुन्नी कैसे हो गए। तो अब शिया को तो जाने दो, छोड़ो उनको तो जाने दो, हम उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन बात हम करें कि कुरान में जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हो और मिल्लत यानी उसकी तहजीब में से हो, तो तुम मुसलमान हो, तुम मुस्लिम हो, और हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, और इस उम्मत का नाम मुस्लिम और उनका नाम भी मुस्लिम था, उससे पहले भी ये नाम मुस्लिम था। तो अल्लाह ने जब हुक्म दे दिया कि तुम, तो असल टाइटल हमको क्या दिया था, तो टाइटल की बड़ी अहमियत होती है, टाइटल असल है, तो हमको टाइटल दिया गया था कि तुम मुसलमान हो, तुम मुस्लिम, तो हमको टाइटल वो दिया गया था, तो वो सबसे अहम है। तो वो किसने रखा, अल्लाह ने रखा, लेकिन हम कहेंगे हमारे लिए तो काफ़ी नहीं है साहब, उस पर हम फिर दलील लेकर आएँ कि कुरान में सिर्फ मुस्लिम ही तो ही कहा, उनको मोमिन भी कहा, ये भी कहा, ये भी चीज़ भी कही कुरान के अंदर, तो क्या वो भी नहीं रखें क्या फिर। लेकिन यहाँ मिल्लत की बात आ रही है, मिल्लत से जोड़ा, तो मिल्लत तो ये मुसलमान होनी चाहिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर अब उसके बाद हम अपनी उसके अंदर जो है अपनी समझ रखेंगे कि नहीं नहीं साहब ना मुसलमान के साथ में तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा साथ में। फिर उस पर दलीलें फिर दे रहे हैं कि दलील नहीं साहब, एक आदमी तो सब इंसान है, और इंसान के अंदर फिर ये इब्राहिम है, ये अब्दुल्ला है, ये अलग अलग नाम होते हैं, तो इंसान तो सब है लेकिन नाम अलग अलग होते, इसलिए सब मुसलमान तो सब है लेकिन सबके सब अलग नाम होना चाहिए, उनकी जमात के नाम उनके साथ जुड़े होने चाहिए, फिरकों के नाम जुड़े होने चाहिए। अरे तो भाई मेरे दलील किसके सामने दे रहे, जब अल्लाह ने खुद कह दिया कि तुम मिल्लत है, तुम्हारा नाम हमने मुस्लिम रख दिया, तो डरने की बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है कि अल्लाह के हुक्मों के आगे अपने आप को कहे कि नहीं हमको तो ये नहीं ये रखना है, जब तुमको मुसलमान कह दिया अल्लाह ने, तो उसके बाद फिर तुम अपने अपने नाम लाओगे।
तो डरना तो किससे चाहिए, जब तक कि हम बुनियाद अल्लाह की किताब को नहीं बनाएंगे, उसको हुक्म को नहीं बनाएंगे जिन्होंने कह दिया कि तुम इब्राहिम की मिल्लत थे, हमारा हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, तो फिर हम उसके बाद हमारी इंटरप्रिटेशन दें कि हम इसको इसे नहीं ऐसे समझेंगे, तो भाई फिर समझते रहो तुमको अल्लाह का डर नहीं है, फिर कैसे तुम कह रहे जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम सब मुसलमान, फिर हम आपस में, तो सबसे पहले तो यहाँ एहतियात करना पड़ेगा, बुनियाद ये बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि और कोई चीज़ हमारी बुनियाद नहीं बन रही। सबसे पहले बुनियाद क्या बननी चाहिए कि सब तुम मुसलमान हो, सारे के सारे तुम मुसलमान हो, तो खुद को अगर हम मुस्लिम कहेंगे तो फिर एक दूसरे में ये चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो ये बुनियाद बननी चाहिए, उसके बाद अल्लाह ने फिर क्या ये की बात आगे अल्लाह ने कहा कि लियकुन्ना अर रसूल शाहिदा अलैकुम, ताकि तुम पर रसूल गवाह हो, तो मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, वो तुम पर रसूल हो, किस पर गवाह होंगे, वो मुसलमानों पर गवाह होंगे, किसी तफर के मसले पर गवाह नहीं होंगे, वो तुम पर गवाह होंगे। व तकून शहदा अलन्नास, देखिए अलन्नास और कहा और तुम लोगों पर गवाह होंगे, तो किसी मसलक की किसी उसका नहीं कहा, सारे मुसलमान तुम गवाह होंगे, तुम पर रसूल गवाह होंगे, तो मुसलमानों से कहा गया। तो ये बहुत अहम बात है, हमको समझने की ज़रूरत है कि हमको जो कहा गया तो हम इस नाम के साथ इस टाइटल के साथ में इत्तियात करें, क्योंकि जो ऊपर की जो भी चीज़ है, एक ख़ानदान, अगर आप देखिए आप यहाँ इस कौम के अंदर बड़े बड़े इस जाम रहते हैं, इस मुल्क के अंदर कई लोग रहते हैं, और उसके अंदर अगर ऐसा रख दिया जाए, सरकारी एक नियम निकले कि कोई किसी के नाम के पीछे उसका वो नहीं लिखेगा, सरनेम नहीं लिखेगा कोई भी, सरनेम उसका हटा दिया जाए, तो सिर्फ दो पीढ़ी लगेंगी उसकी, तीसरी पीढ़ी में मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसका सरनेम क्या था, अगर फॉर्म के अंदर लिख दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा पूरा, उसके अंदर मालूम नहीं पड़ेगा कि ब्राह्मण कौन था, शूद्र कौन था, अगर उसमें से सिर्फ वो हटा दिया जाए कि कोई नहीं लिखेगा, तो दो पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है वो। तो हम उस चीज़ पर कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर हम ला रहे हैं, जबकि अल्लाह ने कह दिया कि मुस्लिम, तो सबसे पहले तो इस पर जो है हमको एक होना है, और इसी पर गवाही देंगे तभी तो हम गवाही देंगे। नमाज, रोज़ा, जकात, ये सब तो अपनी अपनी हमको करना है, इसमें राय का इख्तिलाफ हो सकता है, मसाइल का इख्तिलाफ हो सकता है, तो अपने अपने आप करें, फर्जियत अपनी जगह है उसकी, उसका कोई इनकार ही नहीं, तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये तो अपनी अपनी पूरी करें, लेकिन जरूरी है कि टाइटल एक होनी चाहिए कि उम्मत, इसलिए तब उम्मत है कि उसका टाइटल एक हो, सारे मुसलमान। तो अब बात मसला तो ये आ रहा है कि वहाँ जो मिल्लत, जहाँ हर कौम हर मसलक अपने अपने इतिहाद के कायम कर रहे हैं जलसे, और वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं 30x40 के, उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इतिहाद मुस्लिम, इतिहाद मिल्लत, तो मिल्लत किसकी है, वो मिल्लत कौन सी है, वो मुसलमान मिल्लत है, वो वहाँ मुस्लिम लिख रहे हैं ऊपर, और उस बात पर एक नहीं हो रहे, खाली वो टाइटल में लिख दिया कि इतिहाद मुस्लिम, अरे तो मुस्लिम कहाँ कहा तुमने अपने आप को, तो फिर एक कहाँ से होंगे, खाली पोस्टर लगाने से हो जाएगा, तो अब ये मसला इसके अंदर, तो टाइटल की बड़ी अहमियत है, टाइटल हमारा एक होना चाहिए, और इसके अलावा फिर क्या है, ये सब तो ठीक है, चलो ये भी मान लिया हमने, इस बात पर भी अगर हम इस पर भी एग्री हो गए कि सारे चलो मुसलमान हैं, तो उसके बाद हो जाएगा, तो अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 कि तुम्हें लोगों के भलाई के लिए हमने निकाला है, किसके लिए निकाला है, लोगों की भलाई के लिए निकाला है, क्यों, ताकि तुम बुराई से लोगों को रोको। तो अब इसमें इख्तिलाफ क्या हुआ, इसमें इख्तिलाफ क्या हुआ कि भलाई के लिए निकलना ही हमने छोड़ दिया, आप भलाई के लिए निकले ही नहीं, हम इसमें हम निकलते ही नहीं, हमने छोड़ दिया भलाई का हुक्म देना, लोगों को भलाई करना हमने छोड़ दिया, तो अब कम से कम इस पर मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्या लोगों के भलाई के लिए तुम उसके लिए निकाले गए हो, तो अब वो भी होंगे, तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर मान लो अब ठीक है मैंने बता दिया कि मुसलमान पर एक होना चाहिए, नाम पर एक हो जाए, चलो नाम पर सारे लोग एक हो गए, तो मुसलमान हिंदुस्तान में कितना है, 20% एक हो गए, तब उसके रद्द में ये जब एक हो जाएंगे तो रद्द में 80% भी तो एक होंगे, तो फिर तो वो फिर हमसे ज़्यादा है, तब नहीं चलो ऊपर वो ले जाते दुनिया के पास, दुनिया के मुसलमान एक हो तो दुनिया के मुसलमान भी एक हो जाएंगे, तो कितने रहेंगे, 20% पूरी दुनिया से, फिर 80% उनके खिलाफ वापस एक हो जाएंगे, तो मसला तो यहाँ भी हल नहीं हो रहा, जो हमारी जो मुश्किल पड़ी हुई है, चाहे इस पर भी एक आ जाए, और इस पर एक हो सकते हैं, मैंने बताया उसके अंदर कैसे हो सकते हैं, लेकिन इस पर एक हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी मसला ये नहीं आ रहा, तो असल मसला क्या है कि असल वो चीज़ जो तुमको बुराई से रोकना असल तुम्हारा मकसद था, कि तुमको निकाला इसलिए गया था, तुमको भेजा इसलिए गया था ताकि तुम लोगों के भलाई का काम करो, उनको बुराई से रोको, तो वो करना छोड़ दिया इसलिए तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई, तो असल काम सब मिल के अपने आप को मुसलमान कहें, वो सारे के सारे इस काम में जुट जाए कि हम लोगों की भलाई के लिए, तो फिर ये हमारा काम हो सकता है, ये मुसीबतें हमसे हट सकती है, क्योंकि दुनिया उसी को पसंद करती है जो उसके साथ भला करता हो।
भलाई वाले को लोग पसंद करते हैं, तो फिर ये हमारा काम ये हो सकता है। तो इबादत तो अपनी अपनी है, जो अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि तुमने हमने तुमको भेजा ही इसीलिए कि ताकि तुम मेरी इबादत करो, इंसान और जिन दोनों के लिए तुम्हारा मकसद ये। लेकिन भलाई पर तुम भलाई से लोगों पर गाली बा सकते हो, तो भलाई करेंगे तो गाली बा सकते हैं। तो दावत दीन यही अहल है और यही हलाकत से बचने का जरिया है। अब इसके अंदर अगर हम सबसे पहले तो अगर इत्तेहाद कायम करना तो उसकी बुनियाद मिल्लत पर होनी चाहिए, और मिल्लत इब्राहिमी, और मिल्लत इब्राहिम का नाम मुसलमान है। अब उस पर अपनी अपनी दलीलें पेश करना और ये करना, तो वो सोचे कि दलील किस पे दे रहे हैं, वो अल्लाह ने जब कह दिया तो उस पर दलील दे रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से डरना चाहिए। जो अल्लाह से ना डरे तो उसकी तो बुनियाद है तकवे, तो बुनियाद है हमारी तकवा, और तकवा क्या होता है, अल्लाह का डर है, तो उस पर हम वो करें सबसे पहले वो हो जाए। लेकिन ये है कि असल जो है बचने का फिर भी जरिया क्या रहेगा, ये होने के बाद में भी वो असल जरिया हमारा रहेगा जो दावत दी लोगों की भलाई के निकलना। और यह कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में फरमाया कि तुम मिलकर लड़ो अल्लाह की राह में जैसा कि लड़ने का हक है, और उसने तुम्हें चुना है। किसने चुना है? अल्लाह ने तुम्हें चुना है। दीन के मामले में कोई तंगी तुम्हारे ऊपर नहीं रखी नहीं है, और इब्राहिम के मजहब को पसंद किया, और इससे पहले भी हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और कुरान में भी यही नाम तुम्हारा मुस्लिम रखा, ताकि क्या है कि ताकि तुम पर रसूल गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो, और नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो। पहले सब बताने के बाद फिर कहा कि अब क्या करना है, ये नमाज तो जहाँ एक होने के बाद में फिर क्या करना है, फिर हमको नमाज़ कायम करना, ज़कात अदा करना है, उसके बाद में हमको बताया। तो अल्लाह ने एक और अल्लाह के अहकाम को मजबूती से थाम लो, कि अल्लाह के अहकाम को मजबूती से थाम लो, और वही तुम्हारा मौला है, सरपरस्त है, और क्या ही अच्छा मौला है और बेहतरीन मददगार है। लड़ो मतलब क्या है? लड़ो मतलब ये कहा कि लड़ो, तो लड़ना इंसान के अंदर रखा है, मुसलमान के अंदर रखा है लड़ना। लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं कि लोगों के जाकर गिरेबान पकड़ पकड़ के उनको हम दावत दें, उनको समझाएं, वो मतलब वो माना नहीं यहाँ पर। तो लड़ना है, तो लड़ना किससे? बुराई से लड़ना है, कुफ्र से लड़ना है, जो कुफ्र हो रहा है उससे लड़ना है, जो बुराई हो रही है उससे लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना। और ये लड़ना हमने छोड़ दिया कि बुराई से नहीं लड़ रहे जो लोगों के अंदर है, जो कुफ्र है उनके अंदर हम उनसे नहीं लड़ रहे, तो लड़ना तो हमारे अंदर था, तो हमने उनसे नहीं लड़ा तो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा फिर हमारे अंदर तो फितरत है वो, तो फिर लड़ो आपस के अंदर, क्योंकि तुमने दूसरों से नहीं लड़ा तो आपस में लड़ोगे, फिर फितरत तो गाली बहाना ही है उसके ऊपर। तो असल ये है कि वो लड़ना है, तो वो अंदर फिर ये आपस में लड़ रहे हैं। तो हम में मुत्तहिद, अगर इस पर मुत्तहिद हो जाएं, किस पर मुत्तहिद होना है? खैर ख्वाही के जज्बे पर मुत्तहिद होना है, सब मिलके अपना को मुसलमान कहें, और सब इस बात को मान ले कि हमको खैर ख्वाही का काम करना है, लोगों की भलाई का काम करना है, तो फिर ये मुसीबतें भी हमारी जा सकती है और इत्तेहाद कायम हो सकता है। तो असल बुनियाद हमारी ये, तो सब पहले मुस्लिम हो जाएँ, सबसे पहले हम इसको बुनियाद बनाएँ, और उसके बाद फिर हम जाएँ। तो इसके लिए होगा क्या कि इसको सबसे पहले तो उलमाओं का एक होना पड़ेगा। अब उलमा स्टेज से कहते रहे एक हो, तो आवाम कहाँ से एक होगी? वो तो उलमा के पीछे हैं, आवाम को क्या मालूम है दीनी मसाइल, तो उनको पता ही नहीं, वो उलमा के पीछे हैं, तो वो बताएंगे तो हम मानेंगे। तो असल तो है कि उलमा एक हो, सबसे पहले तो स्टेज शेयर करना सीखें एक दूसरे का, कि तुम्हारी यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है हम भी आएंगे, वो नहीं भी बुला रहा था कि हमको बुलाओ, क्योंकि इत्तेहाद की बात कर रहे, तो इत्तेहाद किससे करोगे? हमसे ही तो करना है, तो हमको तो बुलाओ। तो सब मिलके एक स्टेज पर जाएं, आपस में स्टेज को शेयर करें और फिर आवाम के सामने रखें, तो उसके बाद कहेंगे अरे ये चार लोग यहाँ बैठ गए तो हमें भी क्या जा रहा है, तो आवाम भी आपस में गले मिलेगी। जब स्टेज पर उलमाओं को देखेंगे तब जाकर तो गले मिलेंगे, तो वो तो एक हो जाएगी। तो आवाम के अंदर तो है, वो तो चाहती है, वो चाहती है एक होना, लेकिन असल मसला कहाँ आ रहा है? असल ऊपर से मसला आ रहा है कि उनके अमीर, उनके बड़े, उनके लीडर और उनके जो है उलमा, वो एक नहीं हो रहे हैं। वो एक हो जाए तो आवाम खुद ब खुद एक हो जाएगी। और बुनियाद क्या होनी चाहिए? बुनियाद ये होनी चाहिए कि मिल्लत है तो मिल्लत इब्राहिम है, वो मुसलमान है, और अल्लाह ने यह नाम रखा है तो अल्लाह ने रख दिया वो नाम, तो हम बड़ी अफसोस की बात होती है जब भी किसी से कहें तो उसके बाद वो अपनी दलीलें उस पर दें कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो लगाना ज़रूरी है पहचान के लिए हमारे, नहीं तो पहचाने कैसे जाएंगे? अरे मुसलमान की पहचान होनी चाहिए, अपनी अपनी तुम कहा तो फिर अपनी अपनी पहचान बना रहे। और यहाँ कहे कुरान के लोग इनकार कर देते हैं फट से, लोग डरते ही नहीं है, तसव्वुर ख़त्म हो गया अल्लाह की किताब का। कोई मुझसे पूछता है, कई बार फ़ोन करते हैं मेरे पास, या कोई आता पूछता है कि भाई हमारे लड़का हुआ, बच्चा हुआ, क्या नाम रखे, नाम बताओ, तो मैं कहता हूँ भाई याया रखो, तो बोले याया ये कैसा अजीब नाम तुम लाए, और इसलिए हम देखते हैं आपको मिलेगा ही नहीं याया, पूरे मोहल्ले में ढूंढ जाओ आपको नाम नहीं मिलता। अरे तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर जब बशारत दी अल्लाह ने कि हम तुम्हारे एक बच्चा तुमको देंगे, और हम उसका नाम जो है, बल्कि वो हम नबी देंगे, नबी थे वो, और वो हम तुमको देंगे उसका नाम याया होगा, अल्लाह ने रख के दिया। और यहाँ हम बताएं कि भाई याया रख लो, तो बोले याया कैसे रख ले, तो अजीब व गरीब नाम लग रहा है, ये क्या नाम हुआ याया।
अरे भैया अल्लाह ने हुक्म दिया तो मैं तो अल्लाह के हुक्म से बता रहा हूँ, वो साहब इनकार कर देता है नहीं जमा, तो भाई तू फिर क्या डर रहा है अल्लाह से? मना नहीं है भाई कि सब याया ही नहीं रख ले, नहीं तो पहचान वो भाई सारे ही बोलने के अंदर याया याया बल। लेकिन बताया जा रहा है तो उसके अंदर खौफे खुदा तो होना चाहिए कि भाई जब मैं तुमको बता रहा हूँ कि अल्लाह ने रखा नाम तो सबसे बेहतरीन नाम जो अल्लाह ने रख दिया, तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा तो मुस्लिम रखा, और उसके बाद हम कहे कि नहीं हम तो फलाएँ, तो फिर अल्लाह से डर कहाँ बचा तुम्हारा? तो अब कामयाब जब हो सकते हैं हम कि जब अल्लाह के हुक्म को, उसकी किताब को, चाहे उसकी किताब के खिलाफ जो भी किताबें आती हों या कहीं भी लिखा हो कोई भी बोलता हो तो उसका क्या होगा, उसकी सबसे आखिरी अथॉरिटी कुरान होनी चाहिए। कुरान में कह दिया वो चीज़ को हमको सबसे मुकदम रखना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ये इत्तिहाद भी होगा, और असल इत्तिहाद करने के बाद में क्या काम करना है, क्योंकि इत्तिहाद कर भी ले तो भी हम अकलियत में ही रहेंगे पूरी दुनिया के मुकाबले में। तो असल जब कामयाब हो सकते हैं कि जब हम लोगों की भलाई के निकले, क्योंकि कुरान में हमारा जो मकसद बताया गया कि तुमको भेजा ही लोगों की भलाई के लिए गया है, तो असल वो चीज़ हम करेंगे तो फिर उसके बाद में हम फिर वापस से इस दुनिया पर गाली बजा सकते हैं, और यूँ किया जा सकता है।